रायपुर से बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज पांचवा दिन है। ये भी आपको बता दें, आज सदन में प्रदेश का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत इसे पेश करेंगे। ये भी आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित कराया जाएगा। सदन में आज सवालों के जवाब कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे देंगे और मंत्री अनिला भेड़िया आज सवालों के जवाब सदन में देंगे। तो बजट सत्र चल रहा है, आज पांचवा दिन है और सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आज यहाँ पेश किया जाएगा। ये भी आपको बता दें, सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत इसे पेश करेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि मिरी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रवि, जानना चाहेंगे, बजट सत्र चल रहा है, आज पांचवा दिन, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण क्या है वो आज यहां पर पेश किया जाएगा। देखिए नेहा, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का पांचवा दिन है। आज अमरजीत भगत कैबिनेट मंत्री राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश करेंगे, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि साल भर के भीतर में जो बजट पेश किया गया था पिछले साल का, उस बजट के राशि का कितना खर्च इस साल भर में किया गया है और किस क्षेत्र में ज़्यादा यहाँ पर योगदान दिया गया और राज्य के राजकीय कोष में किसका कितना योगदान रहा था, पूरा जानकारी आज कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत आज विधानसभा के सदन पर रखेंगे। और निश्चित रूप से इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो कल से शुरू हुई थी गुरुवार से, वो आज यहाँ पर खत्म होगी और इस पर राज्यपाल के अभिभाषण को पारित करने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। और विपक्ष की भी कुछ यहाँ पर सुझाव है, उसको लेकर भी आज चर्चा होगी। इसके अलावा आज विधानसभा में विशेष रूप से प्रश्नकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के अलावा यहां पर रविन्द्र चौबे और अनिला भेड़िया अपने विभाग से संबंधित जवाब यहां पर देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा LIC को लेकर भी आज बड़ा सवाल खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि खबर मिली है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने LIC को लेकर, LIC का विनिवेशकरण को लेकर एक सवाल यहाँ पर उठा सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से चर्चा हो रही थी कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध न करके IPO जारी नहीं किया, इसके विरोध में केंद्र सरकार को यहां पर आग्रह किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आज का विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है और विपक्ष भी लगातार कोशिश करेगा कि पशुधन और जल विकास, इसके अलावा महिला बाल कल्याण विभाग से संबंधित सवालों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज के चर्चा में विशेष रूप से आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण पूरे साल भर के कार्यकाल को लेकर जो राज्य के सरकार ने जो कार्य किए हैं उन सभी की जानकारी यहां पर दी जाएगी और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई है और किन किन क्षेत्रों में राजकीय कोष में वृद्धि हुई है, उसकी जानकारी आज आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा दी जाएगी। तो आज का विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार होने की आशाएं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि विपक्ष भी लगातार, कल की ही बात करें तो कल 3 बार स्थगन यहां पर हुआ था विधानसभा सत्र के दौरान, लगातार विपक्ष बाइकआउट यहां पर करता था, वॉकआउट करता था। तो निश्चित रूप से आज भी हंगामेदार होने की संभावना यहां पर देखी जा रही है। जी, चलिए, शुक्रिया रवि हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो बता दें आपको कि बजट सत्र चल रहा है, आज पांचवा दिन है और आज प्रदेश का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष हावी हो सकता है और यहाँ सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवा दिन है, प्रदेश का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण यहां पर पेश होगा। सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत इसे पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कराया जाएगा।